बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने अपनी दूसरी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है, जहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी सूची में 22 कैंडिडेट्स के उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया गया है। पहले 99 कैंडिडेट्स का नाम ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब 22 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है। वहीं इस हिसाब से कुल 121 उम्मीदवारों का नाम अभी तक बीजेपी महाराष्ट्र में घोषित कर चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। अब तक कुल 121 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी सूची में पार्टी ने 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने पहली सूची में 99 कैंडिडेट्स की घोषणा की थी। ऐसे में भाजपा अब तक राज्य में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार घोषित करने वाली पार्टी बन गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके लिए लगातार पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने आज दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसके पहले पार्टी पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुकी है। अब तक कुल बीजेपी ने 121 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 45 और अजीत पवार की एनसीपी ने पहली और दूसरी लिस्ट में क्रमशः 38 और 45 कैंडिडेट के नाम घोषित अभी तक कर चुके हैं ये दोनों। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस हिसाब से कुल पहली और दूसरी सूची मिला के बीजेपी ने महाराष्ट्र में अब तक कुल 121 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दूसरी सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी है, जिसमें बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। अभी तक कुल 121 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। तो वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने अब तक कुल 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी ने 2 लिस्ट जारी की है, जिसमें 38 और 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची में 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है।